हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हम बात करते हैं, आज की वीडियो होने वाली है आपकी एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी को लेकर, जिसमें कि आपकी आरआरसी की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। ये है आपकी आईटी पास वाले कैंडिडेट के लिए ये अप्रेंटिसशिप रहेगी। नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज, ये इसका एड्रेस रहेगा। ठीक है, यदि बात हम करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट क्या रहेगी, तो ये है आपकी 16/9/2024 और लास्ट डेट रहेगी आपकी 15/10/2024। यानी कि आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम मिल जाता है पूरा पूरा फॉर्म भरने के लिए। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी डियर आपकी, जो आपकी एज क्राइटेरिया है ये है आपका 15 साल कम से कम यहाँ चलेगा, और अधिकतम आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। यदि 24 से ज़्यादा है तो यहाँ आप इसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि इसमें जो पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट होते हैं, इनको अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिलता है, ये मिलता है आपको 10 ईयर का। ठीक है, यहाँ 10 ईयर का आपको मिल जाता है, और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर का छूट मिलती है एज में। ठीक, तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन। और जो आपके डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस वालों को 3 ईयर का यहाँ पर छूट मिल जाती है एज में। ठीक है ना, तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो फॉर्म है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी सभी का सेम रहेगा। फॉर्म की जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और लास्ट डेट होती है वो सेम रहती है। ठीक है, इसमें कोई आपका बदलाव नहीं होता। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन है आपका होना चाहिए 10+2। ठीक है, 10+2 होना चाहिए। कितने 50% मार्क्स से यदि आप पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम आपके मार्क्स हैं तो ये आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में आपसे मांगा है यहाँ पर आईटीआई का डिप्लोमा, जो आपका एनसीबीटी और एससीबीटी से होना चाहिए। आपने आईटीआई की हुई हो, एनसीबीटी से की हुई हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससीबीटी से की हुई है तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं ट्रेड आपकी कौन कौन सी रहेंगी, है ना, ट्रेड आपकी कौन कौन सी रहेंगी। तो ट्रेड रहेगी आपकी यहाँ पर फिटर रहेगी, प्लम्बर है, वेल्डर है, और आर्मेचर वाइंडर है, मशीनिस्ट, कारपेंटर, एमएमटीएम, क्रेन, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर, मशीन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये दिया है आपका डिजाइनेटेड ट्रेड, और ये है आपका आईटीआई ट्रेड। ठीक है, तो इसमें आप अपनी ट्रेड देख लें और उसके बाद आप फॉर्म फिल करा सकते हैं। ठीक है डियर, अब बात करते हैं हम इसमें कि ट्रेड वाइज स्लॉट्स, ट्रेड्स वाइज स्लॉट्स आपकी यहाँ पर दी गई हैं, जो आपका जो आपकी ट्रेड है अपने आईटीआई ट्रेड, किस ट्रेड से पास की है वो आपकी ट्रेड है। जैसे कि मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है या फिटर ट्रेड है, तो यहाँ पर ट्रेड के, ट्रेड वाइज एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको डिवीज़न और वर्कशॉप में, यानी कि वर्कशॉप वाइज आपको बांटा गया है कि इस ट्रेड के छात्र यहाँ वर्कशॉप में रहेंगे और ये डिवीज़न आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ट्रेड वाइज स्लॉट्स आपकी ये हो जाते हैं। और आगे देखते हैं हम, बात करते हैं आपके पेमेंट की, यानी कि आपकी फ़ीस इसमें कितनी जाएगी। तो देखिए डियर, जो आपके हैं मेल जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 100 रुपये यहाँ पे करना होगा, और जो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। मेल कैंडिडेट को 100 रुपये पे करना होगा, नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फीस की बात। आगे देखते हैं मेडिकल फिटनेस आपको क्या होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म अपना अप्लाई कराएंगे तो उसमें आपका यहाँ पर है, इसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा,
और यहाँ दिया है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ट्रेड क्या है, फिटर है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये आप जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तब आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, आपका ऑनलाइन रहने वाला है, फीस आपकी 100 रुपये लगेगी। ठीक है, और आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, प्लस आपका ITI का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT से और SCVT से। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या फीस है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन की मैं बात करूँ, चले हम पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड की। देखिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करा देते हैं, आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी अप्रेंटिसशिप का जो टाइम होता है ये होता है आपका 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर आपकी अप्रेंटिसशिप चलती है। इसके दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है सरकार के द्वारा। स्टाइपेंड कितना होता है, 7,000 से लेकर 8,000 तक होता है, बाकी आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टाइपेंड मिलता है आपको ट्रेनिंग के दौरान जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात यदि हम करते हैं तो ये वेबसाइट आपकी दी हुई है www.rrcpryj.org। यहाँ आप जाकर अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। आपके डॉक्यूमेंट में लगेगा ITI का सर्टिफिकेट, प्लस 10+2 की मार्कशीट, आपका आधार, है ना। तो ये आपको सब जिससे आप ऑनलाइन कराएंगे वो आपको बता देंगे, है ना। तो ये है आपकी अप्रेंटिसशिप की जानकारी मैंने आपको दे दी है कि इसकी लास्ट डेट डियर रहेगी आपकी 15 अक्टूबर 2024। तो जो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। बाकी जिसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिलहाल, जैसे कि आपका, यदि आपका इसमें, देखिए आपका इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। यदि वो 3 साल से पहले का बना हुआ है और इसमें अभी का मांगा है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अप्लाई करा दें। 5 से 6 दिन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप फिर अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक ITI से निकली जॉब की अप्रेंटिसशिप की जानकारी आपको मिलती रहे।